महत्वपूर्ण दिन होता है और ये कैंपस के द्वारा वर्षों तक की गई मेहनत का जो फल आप लोगों को मिलने वाला है, साथ साथ में जो पेरेंट्स आए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आए, सभी को मैं भी धन्यवाद देती हूँ। नीव जोधपुर पारंपरिक वस्त्र कला एवं शिल्प के राजस्थान की संस्कृति के संरक्षण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और जोधपुर ने नीव जोधपुर ने हमें हमेशा गौरवान्वित महसूस करवाया है कि सबसे मैंने तो जम्मू कश्मीर नीव वाला कैंपस भी देखा, दिल्ली कैंपस भी देखा, चेन्नई कैंपस भी देखा, आपका कैंपस नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से शांतमनु जी ने बताया कि जोधपुर कैंपस सबसे बड़ा विशाल है और बहुत अच्छा है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संस्थान के विद्यार्थी प्रशांत चौरसिया ने अद्भुत प्रतिभा को जिस तरह से 2021 के इस बैच के साथ पास हो रहे, जिन्होंने भारत कौशल प्रतियोगिता 2021 में स्वर्ण पदक भी जीता है। मैं 2022 में शंघाई चीन में होने वाली विश्व कौशल प्रतिभा के लिए उनको शुभकामना देती हूँ। मैं सुन रही थी उनको अपने थॉट्स जो लास्ट टाइम पे यहाँ पे आके बता रहे थे और यूएन और यूएनईपी के सहयोग से ह्यूमैनिटी सेंटर डिज़ाइन पर आधारित अपने सर्कुलर डिज़ाइन चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रशांत को कॉन्ग्रेचुलेसन। पेरेंट्स आए हैं उनके, प्रशांत के पेरेंट्स नहीं, हमारी ओर से उनको भी धन्यवाद। जोधपुर शहर ने फैशन उद्योग के ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 500 से अधिक हैंडीक्राफ्ट उत्पादन यूनिट के साथ जोधपुर शहर इसके आसपास के इकोसिस्टम और दुनिया भर में फैशन उद्योग के लिए तरक्की और प्रमोशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 250 से ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट के यूनिट भी है। आज जहाँ मैं गई थी, शिल्प गुरु जिसको अवार्ड मिला था, वो भी बता रहे थे कि काफ़ी निफ्ट के स्टूडेंट उनके यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। तो ये जो आप लोगों का नाता होता है कि एक निफ्ट दूसरे निफ्ट वालों के साथ, आज गांधीनगर निफ्ट में भी हम लोगों ने ऑनलाइन बातें करी, वहाँ एक शिल्प का हैंडीक्राफ्ट का एक एग्जीबिशन भी रखा है, तो आर्टिजन्स जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं उनसे उनके मिलकर भी आप नए आइडियाज़ देंगे, आपके आइडियाज़ शेयर करेंगे। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होते हैं उनके अनुभव से आपके नए विचार अगर मिल जाते हैं तो भविष्य में आपको बहुत ये उपयोगी पुरवार होगा। वोकल फॉर लोकल का अभियान जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोगों को जो एक संकल्प हम लोगों ने किया है, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत आने वाले समय में महत्व योगदान करेगा। मंत्रालय जोधपुर में फैशन की जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, इसके तहत मेगा क्लस्टर में भी आप लोगों ने अपने अपने समय के साथ में मॉडल प्रस्तुत किए हैं। निफ जोधपुर में फैशन डिज़ाइन के साथ 6 कोर्सेज है, मैं चेन्नई गई थी 9 कोर्सेज थे और यहाँ पे मैंने एक इंस्टीट्यूट भाई साहब ने आते समय दिखाई जो लेदर वाली इंस्टीट्यूट भी है, तो काफ़ी जितनी भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे जोधपुर में है और आप लोगों ने और स्टूडेंट से भी बातचीत की होगी, तो मेक इन इंडिया के विजन को सार्थक करने के लिए आप लोगों को मैं अनुरोध करती हूं कि आप भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था में आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बहुत सारी यहाँ पे उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने आज जरा हम एक क्लस्टर में गई थी, वहाँ के पेरेंट्स ने अपने बच्चे को निफ्ट में पढ़ाया है, तो कई औरों के यहाँ काम करेंगे, कोई अपने साथ में अपना करेंगे, तो मैं सभी को शुभकामना देती हूँ। और ये साल आज़ादी के अमृत महोत्सव का साल है, आज़ादी को मिले हैं 75 साल हुए और हम लोगों ने सभी ने संकल्प किया है कि हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आप लोग भी ऐसे समय में मतलब हम लोग जब बजट हुआ था तो हम लोग बोलते थे कि ये अमृत बजट है और आप जब ये कोविड के समय में पास आउट 21 वाले स्टूडेंट हैं, मैं समझती हूँ आप अमृत स्टूडेंट हैं, तो ऐसे समय में आप पास आउट हुए हैं, हमेशा आपको याद रहेगा।
आपके यहाँ नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, फैशन शो, खादी के प्रमोशन के लिए जो भी आप लोगों के एफर्ट्स है, क्वेश्चन आंसर, खादी की प्रदर्शनी, परंपरागत शिल्पकारों के साथ में आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप लोगों ने थ्रू आउट द ईयर की है, एक्टिविटीज़, इंटरनेट गेम्स भी का भी आयोजन किया था, पोस्टर प्रतियोगिता भी की थी। जैसे शहर में मैंने देखा, अपने शहर में भी जब जाए, आप लोग कई बाहर से भी आए होंगे तो ये आइडिया लेके जाते हैं जो अपने शहर के लिए भी, जब ओलंपिक प्लेयर्स प्रधानमंत्री जी को मिले थे तो उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि आपने इंडिया के लिए कुछ किया है, तो जब आप जो भी कुछ अचीव करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, तो अपने शहर में जाके अपने पास वाले ऐसे स्टूडेंट को भी एनकरेज करिए जो आपने सीखा है, औरों को भी सिखाइए और अपने बड़ों से सीखते भी रहिए। ये जो आप लोगों के साथ में मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट में एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, शुभ समाचार बांटना चाहती हूँ। काफ़ी समय से UGC ने 3 डिग्री कोर्सों को बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट को मंजूरी दे दी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देखा गया कि नई पीढ़ी के लोग यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं, तो उनको डिग्री वाला जो था कि हम लोगों को अच्छी डिग्री नहीं मिलती, तो इसको भी अभी मंजूरी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से दी गई है, तो भविष्य में और ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ेंगे और ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे। तो मैं फिर से सभी स्नातकों को, संस्थान में जो प्रोफेसर फैकल्टीज है सबको और सभी के पेरेंट्स को, सभी को अपनी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद।